रात्रि क्लास चल रहा था सोलह पांच 1967 पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी अच्छे से पुरुषार्थ करो क्योंकि माया से हार बहुत खाते हो। माया की मत पर चल पड़ते हो, माया का मतलब यह है मां माने नहीं, आया माने आया। ये द्वैतवादी द्वापर युग से ये माया बेटी ना आई होती तो अच्छा था क्या? ये आती है तो क्या करती है? परम पुरुष शिव की कहो या इस दुनिया में मनुष्यात्माओं के बीच में परम पुरुष प्रजापिता आदम एडम को कहो, आदिदेव को कहो, उसकी जो अपरा प्रकृति है नीचे किस्म की प्रकृति प्रामाण्य प्रकष्ठ कृति माने रचना, प्रकष्ठ रचना है लेकिन है कैसी? ऊंची स्टेज वाली आत्मिक स्थिति में रहने वाली नहीं है क्योंकि आत्मा का सीधा कनेक्शन होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो वो है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही बता दिया, पहले भी बताया था, जैसे परिवार में पिता होता है तो उसकी पहली रचना कौन होती है? माता। तो आत्माओं के हिसाब से कहो परमपिता, तो उसकी भी पहली रचना भी है अव्वल नंबर और द्वयम नंबर की भी रचना है। लेकिन दोनों पत्नियां साथ साथ हैं, भेदभाव ही करता जाता है, दोनों को तरीके से चलाता है, तो वो कौन है? परम पुरुष शिव आत्माओं का बाप, आत्मा माने पुरुष, तो आत्माओं के बीच में जो परम पुरुष है उसकी पहले नंबर की रचना कौन, दूसरे नंबर की रचना कौन, और दोनों ही इकट्ठी रहती हैं क्या भेदभाव नहीं करता? तो वो बताओ वो कौन है? एक ही घर में रहती है, अरे इसको कलम ही नहीं मिली बेचारे को। परा प्रकृति एक, अपरा प्रकृति दो, अरे घर कौन सा एक?
मनुष्य सृष्टि का बाप कौन, जिसमें जिसकी गोद में दोनों पत्नियां, राइट साइड की भी तो लेफ्ट साइड की भी, बताओ वो एक बाप कौन जो दोनों पत्नियों को अपने एक ही घर में रखता है, बताओ बताओ बताओ। प्रजापिता और मनुष्य सृष्टि का कौन, बाप, वो बाप हुआ या पत्नी हुआ, और घर कौन सा है जिस घर में दोनों पत्नियां रहती हैं और पति भी साथ में रहता है। विष्णु का, विष्णु तो देवता है, बाप तो देवता बनाने वाला है। नई सृष्टि बनती है तब उसको पालना करने वाला विष्णु होता है, और बाप तो सृष्टि रूपी परिवार बच्चे तैयार होने से पहले होता है कि जब पालना होती है शुरू तब होता है, तो पहले से ही होता है। तो वो स्वरूप कौन सा, जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है आत्मिक स्टेज में रहने वाली, सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है उसका भी सार है। त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां हो गई, अभी तक दो ही माताएं थी, शिव तो निराकार है ही, शिवलिंग, उस शिवलिंग में दो माताओं का रूप कौन है, बताओ बताओ बताओ। दो माताओं का रूप, एक ही जलाधारी, जलाधारी कहां होती है शिवलिंग में, शिवलिंग अलग होता है जलाधारी अलग होती है, क्या कर रहा है गड़बड़। दोनों माताओं का घर कौन सा है और बाप भी उस घर में है, जल्दी जल्दी बताओ। बताते नहीं, बताएं कहां से गूंगे बच्चे पैदा हुए, रुद्रमाला के मण के गूंगे होते हैं, लक्ष्मी और जगदम्बा ये तो माताएं का नाम है ना, तो जो शिवलिंग बताया ना ये तो सही बताया, वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है वो कौन, इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में आदम में,
तो उसका नाम क्या देता है? घंटों लगाते परम ब्रह्म। क्या नाम देता है? परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। नाम क्यों दिया? काम निकालने के लिए नाम दिया। बाप को क्या चाहिए, क्या काम कराना है? परिवार की रचना करनी है, मनुष्य सृष्टि के परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम की। और जो परिवार रचा है उसके लिए सबसे पहले तो माता चाहिए। तो पहली पहली माता तो हो गई आत्म की स्थिति वाली, ज्योतिबिंदु स्थिति वाली, जो आदि में भी ज्योतिबिंदु रूप स्थिति में होती है, आत्म की स्टेज में होती है, देवान में नहीं आती है, और अंतिम जन्म में भी देवान में नहीं आती है। उसको देवान का रस चाहिए। कहते हो नहीं समझ आ रहा है? वो ही है परा प्रकृति, आत्मिक रूप वाली। क्या शिवलिंग? वो तो बताया, लेकिन शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो है परा प्रकृति चैतन्य। उसमें जड़त्व का, देह का भान ही नहीं। क्या स्वर्ग में पाठ बजाती है तो वहां तो सब बिंदु रूप आत्मा अपन को देवताएं समझते ही है, देवान में आते ही नहीं, देह की स्मृति ही नहीं। लेकिन जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है 2500 वर्ष के बाद, तो उस 2500 वर्ष के बाद जो ऊपर से और धर्मों की धर्म पिताओं की आत्माएं उनके फॉलोअर्स आते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि टाइम टू टाइम आते हैं ना, तो उनमें जो पहला पहला नंबर इब्राहिम है धर्म पिता, है ना, वो आता ही है जब द्वैतवादी द्वापर युग की सृष्टि शुरू होनी होती है ना। तो उस द्वैतवादी सृष्टि में वो आके ही दो दो धर्म दूसरा धर्म शुरू कर देता है। फिर उसकी बात भी लोग मानेंगे, बाप है ना, उस परिवार का इस्लाम परिवार का बाप हो गए ना, तो जो भी पैदाइश होगी उनके फॉलोअर्स कहो बच्चे कहो वो उसी की बात मानेंगे। तो एक तरह से राज्य भी उस परिवार में उसी का हो गया, तो दो राज्य हो गए ना। एक तो देवात्माओं का राज्य चला आ रहा था, क्या स्वस्थिति वालों का, स्वधर्म वालों का, इन्होंने दूसरा धर्म शुरू कर दिया। क्या देहधारी धर्म पिता ने देह का धर्म शुरू कर दिया। इनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि स्वर्ग में जो पैदाइश होती है सृष्टि की, जनसंख्या बढ़ती जाती है, सतयुग से त्रेता तक अंत तक बढ़ती है ना जनसंख्या, तो उसमें ज्ञान इंद्रियों से पैदाइश होती है बच्चों की, ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण होता है। नंबर बार जैसे इस शरीर में ऊंचे से ऊंची इंद्रियां हैं, देह की आंखें, फिर उसके बाद उससे नीचे कौन है? चल हाँ,
कान का जो छेद है ना उससे ऊपर है पर्दा कान का, लेकिन आंख से नीचे, तो उसे श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। और फिर उससे नीचे है नाक, ग्रहण इंद्रिय सूंघने वाली। फिर उससे नीचे है मुख, मुख में जिह्वा स्वाद लेने वाली है। और फिर उससे नीचे है उज्ज्वला ओठ। क्या सृष्टि पैदा करते हैं ना, तो ज्ञानेंद्रियों में ये सबसे नीचा क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या चुम्बन लेते हैं ना तो स्पर्श होता है ना, स्पर्श का सुख अनुभव होता है कि नहीं, तो वो सुख से दैवी बच्चों की पैदाइश होती है। करते करते वो सुख भोगते भोगते ज्ञानेंद्रियों का एक स्थिति ऐसी आती है कि ज्ञानेंद्रियों का सुख का टाइम 2500 वर्ष का स्वस्थिति का टाइम खत्म हो जाता है। और इस सृष्टि में वो जो पहले बताया ब्राह्मण ज्योति, क्या पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, बोली पहला दैत्य कर्म करने वाला दैत्य बन जाता है, अपने आप नहीं बनता, उसको कोई उकसाता है, क्या प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है, वो ही अपरा प्रकृति शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग शिवलिंग में परा प्रकृति तो है आत्म की स्टेज वाली बिंदु है ना, और अपरा प्रकृति है जो लिंग बड़ा दिखाते हैं ना, सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाते थे लाल लाल, लाल लाल क्यों, हर चीज पहले सात्विक होती है और बाद में तामसी बन जाती है। इस दुनिया की चीज की बात है, बाकी इस दुनिया से परे जो परम धाम है आत्मलोक है, आत्माओं के बाप का घर है शिव का, वो तो एक ही जैसा रहता है सदा सत्तधाम, उसमें कभी प्रकृति का प्रवेश ही नहीं होता। क्या कौन सी प्रकृति, जो अपरा प्रकृति है देह वहन वाली, पांच जड़ तत्व है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जिनसे ये देह बनती है, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकती। क्या उसका जो बीज रूप स्वरूप है जहां से इस सृष्टि की शुरुआत होती है, वो बीज रूप स्वरूप इसी सृष्टि में देह से रह जाता है और उसी को कहते हैं ब्रह्म। क्या क्या कहते हैं ब्रह्म, कैसा ब्रह्म, जो देहभान की यादगार है। तो शिवलिंग में बिंदु तो है आत्मिक स्टेज की यादगार, समझ में आया, और जो लिंग बना हुआ है पत्थर का, वो इस देह कहो पत्थर कहो मिट्टी कहो, क्योंकि मिट्टी से ही पत्थर बनता है, उसकी यादगार।
कोई कहे द्वापर में लाल पत्थर का लिंग क्यों बनाया था, अभी आजकल क्यों नहीं बनाते। द्वापर शुरू होता है तो जो क्रोध का स्वरूप है, जो काम विकार से उत्पन्न होता है, क्या काम इंद्रियां होती है ना, जब उनमें उत्तेजना आती है तो लाल रंग की हो जाए, खून उतर आता है उनमें, तो सात्विक खून। इसलिए जो द्वापर के आदि में जो यादगार लिंग बनाया वो लाल पत्थर का, कैसा बनाया, लाल पत्थर। लाल रंग किस बात का सूचक होता है, उत्तेजना आती है तो लाल लाल आंखें हो जाती है, क्या कान इंद्रियों में भी लालिमा आ जाती है। तो वो जो रूप है वो काम और क्रोध का सात्विक रूप है, ओरिजिनल रूप। फिर जब अनेक जन्म का सुख भोगते भोगते इंद्रियों से इंद्रियां तामसी हो जाती हैं तो काली पड़ जाती है। जैसे कोई स्त्री होती है या पुरुष होता है तो बुड्ढा हो जाता है कि नहीं, तामसी के लिए बुड्ढा हो जाएगा तो उसकी उत्तेजना ही नहीं आएगी, खून ही नहीं आएगा, तो काला रहेगा कि लाल हो जाएगा, काला ही रहेगा। तो लिंग भी कलयुग के अंत में कैसा बनाने लगे यादगार, काला। काला लिंग भी किसकी यादगार है, द्वापर युग में जो लाल लिंग बनाया था किसकी यादगार, देखो देखो। लिंग अपरा प्रकृति की यादगार, क्योंकि नीची प्रकृति है ना, क्या नीचे गिर गई। सत्य के आदमी आत्मस्मृति में थी, क्या अपरा प्रकृति भी आत्मिक स्टेज में रहती थी, इसलिए जो भी सृष्टि थी स्वर्ग की उसमें सारा काम, जैसे परिवार में मां सारा काम करती है, करती है कि नहीं, ऐसे ही सारी सेवा करती थी, देव आत्माओं को, बच्चों को, जो भगवान के बच्चे हैं वास्तव में स्वर्ग में, उनको कोई काम करना नहीं पड़ता था, वो प्रकृति जैसे दासी थी। जैसे परिवार में दो माताएं विशेष मानी जाती है आज की दुनिया में, एक तो जन्म देने वाली माता, जैसे रानी महारानी होती है, जन्म देती है बच्चे को, फिर उस बच्चे को संभालती कौन है, दाई माँ संभालती है ना, और उसका काम ही होता है सेवा का करना, क्या सेवाधारी होती है। तो सात्विक रूप में वो अपरा प्रकृति स्वर्ग में जो देव आत्मा रूपी भगवान के बच्चे थे उनकी पालना करते थे, वही प्रकृति ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मिक स्टेज से नीचे उतर करके त्रेता के अंत में
द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ, इब्राहिम वाली आत्मा आई, द्वैतवाद शुरू किया, वही प्रकृति माता है ना। तो इब्राहिम जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, वो मनुष्य तन माता बन गई। क्या क्या बन गई? इस्लाम धर्म की माता बन जाती है। और कैसे बन जाती है? वो सतयुग के आदि में दूसरी पीढ़ी में वो ही आत्मा दो नंबर का नारायण बनती है। माने नारायण नाम के महाराजा राजाओं की भी पीढ़ी चलती है, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही क्रिश्चियंस ने फॉलो किया है सतयुग के लॉर्ड कृष्ण को, तो उसके लॉर्ड कृष्ण के बाद जो पीढ़ी आती है वो पीढ़ी है सेकंड दो नंबर के नारायण का। दो नंबर तो अच्छा नहीं माना जाता, कहते हैं दो नंबर का माल है, तो वो दो नंबर का नारायण दो नंबर का कैसे बना है? संगम युगी शूटिंग पीरियड में कलयुग के अंत में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं हेवन की रचना करने के लिए, तो जो ब्राह्मण अब्बल नंबर कुरी के नहीं बनते, नौ कुरियों में से द्वैत नंबर कुरी के बन जाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाते। जो ईश्वर है, शिव है, आत्माओं का बाप, और वो जिसमें प्रैक्टिकल प्रवेश करके पार्ट बजाता है उसको पहचान नहीं पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो नहीं पहचान पाते हैं, या इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ ऐसे समझे कि वो द्वैतवादी धर्मों में उन्होंने ऐसा पार्ट बजाया है, ऐसे स्वभाव संस्कार धारण किए हैं, जो स्वभाव संस्कार वो विचार के उनसे छूटते नहीं, और विचार की शुरुआत होती है काम इंद्रियों से। तो वो ही आत्मा है जो राजा है सत्य की दूसरी सीढ़ी का नारायण, वही द्वैतवादी द्वापर युग में इब्राहिम का आधार माने माता बन जाती है। जैसे क्राइस्ट आया, धर्म पिता है, वो जिसमें प्रवेश करता है क्या सृष्टि रचने के लिए पुरुष को मां में प्रवेश करना पड़ता है, तो ऐसे ही वो क्राइस्ट वाली सोल जिसमें प्रवेश करती है वो ही जीसस कहा जाता है ना। कहते हैं जीसस को दुख होता है क्योंकि उसको अपनी देह होती है पूर्व जन्म से। क्राइस्ट वाली आत्मा जब चाहे प्रवेश करे, सत्य प्रधान है ना, सत्य धाम से उतरी हुई है ना, सोल वर्ल्ड से आई हुई, तो उसको तो कोई दुख हो ही नहीं सकता पहले जन्म। तो ऐसे ही इब्राहिम वाली आत्मा जब उतरती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जो सतयुग का सेकंड नारायण दूसरी पीढ़ी का था संगम युग में, जिसने ज्ञान कम उठाया, ज्ञान की ओर उतना ध्यान नहीं दिया, क्या देह के ऊपर खूब ध्यान दिया। ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं ना, तो जिस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली संसार में फैली, तो वो वेदवाणी
वाणी को नहीं सुनती ध्यान से आत्मा, दोनों ही नारायण भी नारायणी भी बनने वाले क्या करती है, ज्ञान को ध्यान से नहीं सुनती। मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है ब्रह्म मुख से, वो सुने तो मुखवंशावली ब्राह्मण सूर्यवंशी बन जाए, वो तो नहीं बनती। तो क्या करती, गोद का मजा बहुत लेती है, ब्रह्मा की गोद में खूब खेलती है। और देवान बढ़ेगा कि घटेगा, है बढ़ेगा, तो देवान खूब बढ़ता है और शूटिंग देवान की हो जाती है, रिहर्सल हो गई। तो वही आत्मा फिर दो नंबर का नारायण बनती है, देवान उसमें बढ़ जाता है, आत्मिक स्थिति चौथाई कला कम हो गई। और वही आत्मा कम ज्ञान लेने के कारण, आत्मिक स्थिति में संपूर्ण न टिकने के कारण, क्योंकि आत्मा का आत्मा के बाप परमात्मा परमपिता का कोई ज्यादा समझ नहीं आती है उसे, ज्ञान कम होने की वजह से। तो त्रेता के अंत तक आते आते वही आत्मा जो ब्रह्मा की बेटी थी, क्या ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी पर ध्यान नहीं दिया, किस बात पर ध्यान दिया, देह के जो अंग होते हैं ना, उन अंगों पर ध्यान ज्यादा गया। तो कैसी बेटी हुई, माया भी बेटी हुई या बाप की सच्ची बेटी हुई, है? माया का प्रभाव हो गया उस आत्मा के अंदर, वो माया का भाव ना आया होता तो उसको माया बेटी नहीं कहा जाता। और वो द्वापर के आदि में जब जन्म लेते लेते आती है तो इब्राहिम का आधार बनती है। एक जो नारायण के रूप में था सत्यगुण, उसके साथ नारायणी, इब्राहिम के साथ जो दूसरी आत्मा उतरती है सहयोगी, वो उस नारायणी वाली आत्मा में प्रवेश कर जाती। तो वो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो माता हो गई, और उस माता से जो जन्म लेती है वो दूसरी आत्मा हो गई जो इब्राहिम के पीछे पीछे आती है, माने बेटी हो गई। क्या हो गई, बेटी। और इब्राहिम को तो अनुभव ही नहीं है आत्मा को, कि ज्ञान इंद्रियों से भी संतान प्यार से पैदा हो सकती है। तो वो तो जब द्वैतवादी द्वापर युग में आता है तो जहां से विराट स्वरूप दो भावों में बट जाता है, टांगे दो अलग अलग हो गए ना, तो उनके बीच में बिचौलिया हो गया, काम विकार रूपी क्या हो गया, कामांग, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया है कामदेव, देव क्यों दे दिया, वो तो दैत्य का काम करता है, है? विराट पुरुष जो है उसको बीच में से फाड़ने का काम कर रहा है, दैत्य माने दिति की संतान, दिति माने खंडित। तो जो विष्णु का राज्य था एक राज्य, उसको द्वैतवाद में पलट दिया, तो वो माया बेटी जो है वो इब्राहिम
और इब्राहिम जिस माता का आधार लेता है शरीर का, उन दोनों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होती है या कम पवित्र होती है? ज्यादा पवित्र रहती है तो ज्यादा पावर होती है, बुद्धि की पावर सात्विक होगी या नीचे गिरेगी, रजो प्रधान तमो प्रधान बनेगी? सात्विक। तो वो सात्विक पावर जो है बुद्धि की है, तो द्वैत वाली दुनिया की पावर ना, दैत्यों की पावर है ना। वो बच्ची जो है जो माया बेटी बन जाती है शूटिंग काल संगम युग में कलयुग के अंत में भगवान बाप के आने पर, वो ही बच्ची त्रेता के अंत में आकर के तीक्ष्ण बुद्धि वाली बनती है। क्या तो अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? तीक्ष्ण बुद्धि होना, तीखी बुद्धि होना अच्छी बात है या खराब बात है? अरे जल्दी बताओ, खराब बात है। अरे गीता में तो कहा बुद्धिमान था अर्जुन, मनुष्यों के बीच इस सृष्टि में अगर कोई सबसे बुद्धिमान है तो अर्जुन है, जो ज्ञान सबसे ज्यादा अर्जन कर सकता है। फाउंडेशन तो संगम युग से पड़ता है कि सतयुग से पड़ता है? है तो देवताओं की तो बात ही नहीं हुई। उन ब्राह्मणों में से जिस ब्राह्मणी ने बाप की गोद लेकर के नियत खराब की, देह के अंगों का सुख लिया, क्या माँ है ना, माँ जो है वो कपड़े पहनने वाली देवान का होती है कि जैसे पुरुष होते हैं खास करके भारत में, नागा बाबा बन के भी रहते हैं, शंकर जी की तरह नंगे होके रह सकते हैं, ऐसे स्त्री रह सकती है? नहीं रह सकती ना, देवान होता है ना। तो वो देहभान वाली ब्रह्मा की आत्मा क्या, वो तो चोला पहन करके बैठती है, भले बीच में चोला है लेकिन माया बेटी की बुद्धि में वो चोला कम आता है कपड़े का, क्या ज्यादा याद आता है गोद में बैठते समय? है वो ही पुरुष अंग। तो ये तो बेटी का कर्म नहीं है, बेटी का कर्म नहीं हुआ, ये तो माया बेटी हो गई। तो उस संबंध से पुरुष को बेचारा होता ही है द्वैतवादी द्वापर युग से दुर्योधन दुशासन, काम इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है तो मारामारी करने के लिए मजबूर है। तो स्त्री को तो वो मार करने वाला अंग नहीं होता। तो जो ब्रह्मा बाबा थे संगम में, जिनके मुख से वेदवाणी निकली, वो ब्रह्मा बाबा बेटी पर आसक्त हो, मजबूरी। क्या शास्त्र में लिखा है ना, क्या ब्रह्मा क्या करता है, बेटी पैदा करता है, बेटी पर ही आसक्त हो जाता है। तो ये तो दूसरी बेटी है, क्या कौन, जो भी बेटी नाम पड़ा, कुमारी नाम पड़ा, कुमार का कहो कुछ भी कहो, तो
वो बेटी जो है मम्मा के बाद माता के रूप में ब्राह्मण परिवार में दूसरे नंबर का मान मर्तबा ले लिया है या नहीं ले लिया है? मम्मा ने शरीर छोड़ा और वो गद्दी पे बैठ गई और बाबा ने भी मुरली बोल दिया। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का। क्यों भैया? वो ब्राह्मण परिवार में सभी ब्राह्मण बच्चे, उसकी ज्यादा खुद खातरी क्यों करना शुरू कर दी? कोई कारण होगा ना? नहीं कारण समझ में आया? क्या क्या कारण? उसे जगदम्बा की टाइटल दे दिया और वो टाइटल प्रैक्टिकल में मिला भी। अमेरिका गई तो वहां जगदम्बा का टाइटल लेके आ गई। क्या मम्मा की जैसे ओम राधे मम्मा की एक तरह से सौतन बन गई। ऐसे नहीं कि ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो आत्मा ही खत्म हो गई। वो आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कौन सा शरीर धारण किया? सूक्ष्म शरीर। मम्मा के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा तो सूक्ष्म बतन से सूक्ष्म शरीर से सारा ड्रामा देख रही थी, तो वो टाइटल लेकर के बैठी हुई माया बेटी में शूटिंग कर दी माया बेटी बनने की। उसी के कारण क्या वो द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में वो प्रैक्टिकल माया का रूप बन जाती है, जैसे संगम युग में बनी थी। इब्राहिम की बेटी बनती है और वो बेटी क्या करती है? ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, उनको तो टाइटल मिलता है बाद में, प्रजापिता का टाइटल मिल जाता है। पता है पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था, सन 47 के बाद जब दिल्ली में आए, प्रजापिता शब्द नहीं था, पुराने चित्रों में देखा जा सकता है। चित्र झाड़ के लक्ष्मीनारायण के बने, वो क्या नाम, त्रिमूर्ति के बने थे, उनमें सिर्फ वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर छोड़ने के आसपास मम्मा की ही बुद्धि तीखी थी। उनकी बुद्धि में आया कि अम्मा से ही थोड़ी ही सृष्टि चलती है, ब्रह्मा ने बड़ी मां मानी, मां ब्रह्मा, उसके पीछे कौन होता है? बाप होता है। तो यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था, भागीदार के रूप में था, जिसने साक्षात्कारों का, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का क्लेरिफिकेशन दिया था, वास्तव में वो ही प्रजापिता था। इस ब्राह्मण परिवार का बाप हुआ वो बीज रूप, जिसने ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का बीज डाला कि तुम ब्रह्मा की आत्मा हो, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है, वेदवाणी उच्चारण करनी है, ब्राह्मणों को जन्म देना है। भले एक कुरी के ब्राह्मण नहीं, नौ धर्म है तो नौ धर्मों के जो आधार मूर्त ब्राह्मण है वो भी नौ कुरियों के होते हैं। उन्हीं नौ कुरियों के जो ब्राह्मण हैं वो सत्युग में नौ नारायण बनते हैं। क्या वही नौ नारायण द्वापर के आदि में ऋषि मुनि बनते हैं। उनमें सप्त ऋषियों का तो खूब ही गायन है। क्या ऐसे नहीं कि वो सप्त ऋषि निर्विकारी थे? जब आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से इब्राहिम के आने के बाद ही आते, तो वो भी
क्या हुए, भिखारी होंगे या नहीं होंगे, वो भी भिखारी थे, इसलिए उनको दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। ऋषि मुनियों को सबको दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ मनुष्यों को होती है, भिखारी मनुष्यों को, या देवताओं को होती है, मनुष्यों को होती है। तो वो मनुष्य जो है वो ऋषि मुनि विकारी बुद्धि होकर के भी उन्हें संगम युग की स्मृति आती रही। वो स्मृति ने शास्त्र लिख मारे। अब क्योंकि विकारी बुद्धि थे तो शास्त्रों में विकृति आएगी या नहीं आएगी, तो अलग अलग प्रकार की विकृति आती रही। शास्त्र एक जैसे नहीं रहे, अनेक प्रकार के हो गए। ज्ञान एक नहीं रहा, एक के द्वारा आने वाला। जैसे रावण के 10 सिर होते हैं, रावण का ज्ञान होता है, ऐसे ही 10 धर्मों से कनेक्टेड है, 10 धर्म तो है नहीं, 9 धर्म, 9 धर्मों से कनेक्टेड वो ऋषि मुनि 9 जो हैं स्पेशल, वो शास्त्रकार बन जाते हैं। और उनमें से जो द्वयम नंबर का ऋषि है, जिसका नाम पड़ा शास्त्रों में गौतम ऋषि, क्या ऋषि, गौ, गौ माने इंद्रियां, इंद्रियों में भी मार मारने वाली जो इंद्रिय होती है और मारपीट करके वाला सुख वो होती है। ऐसे होता है ना, कोई कोई ऐसे होते हैं किसी को मारपीट के धड़ाशाही कर दिया तो उनको बड़ा सुख, आ हा हमने जीत पा ली, जीत का सुख बड़ा जबरदस्त, इसके ऊपर हम कंट्रोलर हो गए, शासक बन गए, राजा बन गए। तो जिस ऋषि ने भ्रष्ट इंद्रियों का 2 नंबर का सुख भोगा सबसे जास्ती, उसका नाम पड़ा गौतम ऋषि। सत्युग का सेकंड नारायण कौन हुआ, इब्राहिम, जिसमें प्रवेश करता है वो ही हुआ अगले जन्म में गौतम ऋषि। तो उसकी जो रचना है पवित्र रचना बेटी के रूप में, क्योंकि पत्नी जब आती है पति के पास तो पत्नी है पहले या किसी की बेटी है, क्या है, बेटी, तो वो पवित्र होती है। उस पवित्रता की पावर से बुद्धि में तीक्ष्ण होती है। जैसे आज के माहौल में कलयुग के अंत में कलंकी धर की प्रत्यक्षता होती है भगवान की, तो कलंक लगते हैं कि नहीं, है ना, कलंक लगते हैं, तो किस बात के कलंक लगते हैं, है? कामेंद्रिय से भ्रष्ट आचरण करने के कलंक लगते हैं। कहां भगवान और कहां ऐसी शैतानियत की बातें करते। भगवान का जो प्रैक्टिकल मूर्तिमान रूप है शंकर, वो तो अमोघ वीर्य कहा जाता है, जो है ही अमोघ वीर्य। तो उसको उस कामेंद्रिय से मारामारी करने की क्या दरकार, जोश में आके मारामारी करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, शक्ति छीन हो जाती, वो तो है ही अमोघ वीर्य, उसकी तो शक्ति छीन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भले
उसी स्वरूप के 84 अवतार और 10 अवतार गाय दिए। विकारी बुद्धि ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र बनाए उन्होंने, वास्तव में भगवान का मूर्तिमान साकार स्वरूप एक होगा, गॉड इज वन होगा, ये अनेक होंगे एक, और गॉड इज ट्रुथ, क्या उसको सच्चाई होता है। मूर्तिमान स्वरूप जो निराकार का है इस संसार में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम, राक्षस का नाम, दैत्य का नाम, मनुष्य का नाम, शिव ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप के साथ नहीं जोड़ा जाता, और पहले जोड़ा जाता है कि बाद में, कब जोड़ा जाता है, बाद में जोड़ा जाता है, माने बाप पहले और बच्चा बाद में, शिव बाप जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली इसे रंगमंच पर सृष्टि पर, उनमें सुप्रीम सोल बाप, रूहानी बाप, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां, खुदा, खुदा माने खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता। हिंदू में कहते हैं शिव, कल्याणकारी, कभी भी यह कल्याणकारी पाठ नहीं बजाता। इस सृष्टि में 500 करोड़ भी अंतिम आत्मा भी सत्यधाम से उतरेगी तामसी कलयुग के अंत में, उसका भी कल्याण करने वाली, किसी का कल्याण करने वाली आत्मा नहीं, तो उसका नाम ही है काम के आधार पर क्या। अरे राम बताओ क्या हुआ, कितनी देर लगती है शिव, तो वो शिव जो है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है और इस सृष्टि को हेवन बनाता है, जन्नत बनाता है। किसको जन्नत बनाता है, जो उसका आत्माओं के रूप में मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, हिंदुओं में कहा जाता है आदिदेव शंकर, जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जैसे बड़ा बच्चा होता है ना बाप का, तो सारा कारोबार संभालता है, नहीं बाप के धंधा धोरी का, तो शिव बाप का जो ज्ञान देने का धंधा है, ज्ञान का विस्तार टीचर के रूप में करने का धंधा है, और ज्ञान का जो रिजल्ट है सुख शांति देना, बाप का मुख्य काम है अंत में वर्षा देना सुख शांति का, तो वो शिव बाप जिस आत्मा रूपी बच्चे में प्रवेश करता है, वो बच्चा षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो है आदम, और जिसमें आता है उसको ही पहले वर्षा देगा सारा। कौन सा वर्षा, उसके पास कौन सा वर्षा है, धन संपत्ति का नहीं, स्थूल धन संपत्ति का वर्षा नहीं है, ज्ञान धन संपत्ति का, वो भी अकूट ध्यान ज्ञान धन संपत्ति, तो अकूट ज्ञान धन संपत्ति का वर्षा तीसरे नेत्र शिव नेत्र के रूप में मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करके देता है, और फिर वो मूर्तिमान शंकर के द्वारा सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को ज्ञान मिलता है। कब, जबकि वो मनुष्य आत्माएं नंबरवार ब्राह्मण बनती हैं ब्रह्मा की औलाद, और ब्रह्म वाक्यों के आधार पर उस मूर्तिमान शंकर को पहचानती है,
क्या शिवा अपनी भी पहचान देता है शंकर में आकर के आदम और आदम की भी पहचान देता है। इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया जे ही जानो ते ही देव जनाई जान तुम ही हो जाई। शंकर जो है जब शिव को जान लेता है तो शिव ही बन जाता है, उसकी स्मृति में इतना लीन हो जाता है कि बाप और बच्चे में कोई अंतर रहता ही है। दोनों का जन्म इकट्ठा होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म सब संसार में होता है तो इकट्ठा ही जन्म होता है। शिव शंकर भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है। क्या अकेला शिव नहीं, शिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बच्चा भी बड़ा जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य सृष्टि का बड़ा बच्चा है जो बड़े से बड़ा वर्षा लेता है विश्व की बादशाही का, वो बड़ा बच्चा जिस बाप का काम करता है उस काम के आधार पर शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा है इसलिए परम ब्रह्म नाम हुआ। वो ही परम ब्रह्म गाया गया है शास्त्रों में। क्या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो माता का रूप जो है ना, वो माता गुरु सारी सृष्टि की पालना करने वाली जन्म देने वाली माता है। पिता तो गुप्त होता है, गुप्त पार्ट बजाता है तब पिता बनता है, किसी को पता ही नहीं बच्चे को। तो वो जैसे शिव पार्ट बजाता है, शिव को फॉलो करने वाला बच्चा शंकर या आदम भी वैसा ही पार्ट बजाता है। क्या अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाए है, वास्तव में करनहार भी करावनहार भी। क्या सब कुछ अपने आप करता है, ब्रह्मा का पार्ट भी वास्तव में खुद बजाता है परम ब्रह्म है। और शंकर का पार्ट भी खुद ही बजाता है प्रेरणा दे करके। क्या किसको प्रेरणा देता है? असुर संहारिणी माताओं को नंबर वार प्रेरणा देता है। क्या करो विनाश। विनाश कैसे होता है? विचार से होता है विनाश। क्या समझा? विचार माने अनेकों को याद किया तो विचार याद हुई, अनेकों से दृष्टि मिलाई तो विचारी दृष्टि हुई, अनेकों की बातें सुनी तो विचारी का अनुभव। माना एक के अलावा दूसरे से सुना, दूसरे को देखा तो विचारी हो। तो ऐसे ही वो कन्याएं माताएं सारी की सारी उस प्रकृति के प्रभाव में आ जाती हैं जो अपरा प्रकृति कही जाती है देवान वाली। इसलिए वो सब उसकी भुजाएं हो जो तामसी महाकाली कही जाती है। देवियों की पूजा होती है ना देवियों, तो सबसे बाद में किसकी पूजा होती है? महाकाली। सबसे पहले पूजा होती है महागौरी लक्ष्मी की। तो महाकाली को ढेर भुजाएं दिखाते हैं कम दिखाते हैं? ढेर भुजाएं दिखाते हैं। तो सारी मनुष्य शक्ति में जो भी हैं
सारे उसकी भुजाएं माने सहयोगी बन जाते। पुरुष रूप में जो है जो भगवान की सहयोगी होते हैं पहले, उन भुजाओं को काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा लेती है। क्या अपनी कमजोरी छुपाए लेती है उन भुजाओं के द्वारा। वो भुजाएं अपनी अम्मा की बड़ी महिमा करती है कलयुग के अंत में। बप्पा को भूल जाते हैं। क्या बड़े बड़े मजमे जब लगेंगे देवी की पूजा के तो क्या बोलेंगे, जय माता दी, जय माता दी, बाप का नाम निशान लेंगे। तो ऐसे होता है वो प्रकृति जो है, वो ही प्रकृति सचमुच में दासी बन जाती है देह की सेवा करने वाली। प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनके द्वारा ऐसी सेवा करती है कि देवात्माओं को कुछ भी काम करने की दरकार नहीं रहती। कोई मेहनत नहीं या कोई कर्म नहीं। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, इब्राहिम आता है, वो कर्मेंद्रियां शुरू हो जाती हैं उनके द्वारा। उनकी बुद्धि में तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है, सृष्टि चलती है। इसलिए वो काम इंद्रिय से मारा मारी का काम शुरू करते हैं। और उसमें जो इब्राहिम की बेटी है रचना, दूसरी रचना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, तो क्या करती है, जो अम्मा की भी अम्मा है, क्या माया बेटी की भी अम्मा है, दादी अम्मा। परिवार में ज्यादा मान्यता किसकी होती है, दादी अम्मा की कि अम्मा की? ज्यादा मान मर्तबा किसको देते हैं, दादी अम्मा। तो दादी अम्मा जो है वो है प्रकृति या परा प्रकृति, उसको हाथ में ला लेती, अपनी मुट्ठी में कर लेती। हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके स्वभाव संस्कारों के अनुसार एक होकर के चले, बाप की ही बनकर के चले, नहीं। उसे अपने कर्म इंद्रियों के विचार में हिलगा लेती है। तो प्रकृति जो है वो अधीन हो गई किसके, माया बेटी। तो इसलिए बताया ये जो परमत है कही जाती है माया की मत है, माने माया पर प्रकृति को जो पर है, देह पर है ना, कि आत्मा पर है, देह पर है, तो वो देह रूपिणी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेती है, अपने कंट्रोल में चला लेती है। तो उसे परमत कहो या माया की मत कहो, उस मत पर तुम बच्चे चलते हो तो क्या होता है, तुम्हारी शक्ति छीन होती, हार खा जाते हो। किससे, माया से हार खा जाते हो। तो परमाने ही हो गया माया, परमाने प्रकृति नहीं, पहले प्रकृति की जो बुद्धि को घुमा दे, प्रकृति को अपने कंट्रोल में चला ले, वो ही माया। माया की मत पर ना चलो, क्योंकि परमत है। क्या प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया, प्रकृति सबसे जास्ती पावरफुल है इस दुनिया में। जब वो प्रकृति अपरा प्रकृति तामसी रूप धारण करती है तो सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जो सिख लोग गाते हैं, राज करेगा खालसा, माना खालिस रूप में, अव्यभिचारी रूप में, जो एक ही देह को याद करती है, देहधारी को, वो है अपरा प्रकृति। आत्मा को नहीं पहचान पाती कि इस देहधारी मूर्तिमान शंकर में कौन सी आत्मा विशेष कार्य कर रही है, इसके शरीर रूपी रथ में साक्षात भगवान कार्य कर रहा है, उसको नहीं पहचानती। किसको पहचानती है, किसको पहचानती है,
अरे उसी देहधारी को, गोरे चिट्ठे उसी देहधारी को, जिसको ओम मंडली की जब स्थापना हुई थी तो आदम को छोड़ करके किसके ऊपर आसक्त हो गई है, दादा लेखराज गोरा चिट्ठा लंबा चौड़े के ऊपर आकृष्ट हो गई। तो देह को प्रेफरेंस दिया या आत्मा को प्रेफरेंस दिया, जो अंतिम जन्म में भी आत्म को रूप धारण करके रहती है, विष्णु रूप नो विष एटाल। तो बताया कि परमत पर न चलो, क्या पर पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से बनेंगे, जो देह है वो पर है, स्व तो आत्मा है, इसलिए परमत माना ही भूतों की मत। कौन से भूत? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके वशीभूत हो जाती है कौन है? वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पांच भूतों से बनी हुई जो प्रकृति है, वो पंचभूत वाली प्रकृति नहीं, नहीं पांच भूत जड़ भूतों से माने पांच तत्वों से बनी हुई जो प्रकृति है वो विकारों के अधीन हो जाती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन। तो रावण के ये जो पांच सिर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पुरुष मुख है, और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये मंद उदरी के मुख हैं। मंद माने जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है, ज्यादा बुद्धि नहीं चलती, देह में बुद्धि धरी हुई है तो चलेगी कैसे, इसलिए वो मंद उदरी जो है वो कौन हो गई, यही अपरा प्रकृति मंदोदरी हो गई, काम क्रोध लोभ का संघात माया बेटी हो गई। अच्छा समझा, भूतों की मत कौन सी हो जाती है, जो संगम युग में देहभान होने के कारण देह रहते रहते पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाते, क्या देह छूट जाती है और वो आत्मा है सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, वो सूक्ष्म शरीरधारी जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो फरिश्तों के रूप में दूसरे धर्मों में गाई जाती है, विदेशियों में, इस्लामियों में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, वो फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। तो वो भूत हो गए सब, भूत प्रेत, नाम सुना भूत प्रेत होगा, किसी में प्रवेश करते हैं ना तो वो स्वभाव संस्कार अलग देखने में आता है, उनकी वाचा दो तरह की हो जाती है, उनकी आंख लाल लाल हो जाती है, तो भूत है। अच्छा आज तो आए हैं अंबाला की पार्टी वाले, कहां की पार्टी वाले आए, अंबाला, अंबा माने जो जगदम्बा है उसके बड़े भक्त हैं, अंबा का आवाहन करते रहते हैं, किसका आवाहन करते हैं, अंबा, अंबा माने जगदम्बा, सारे जगत की अंबा, एक दो की अंबा नहीं, 500 करोड़ को अपने बुद्धि रूपी पेट के बच्चे बनाए, सारे बच्चे उसकी बुद्धि के अनुसार चलते चलते हैं कि नहीं, तो वो अंबाला पार्टी आई है। ओ